हेलो दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सेवा पटियाला विच तुहाडा स्वागत करता हाँ। अज की अपनी इस वीडियो विच मैं तुहानू दसांगा कि तुसी बिना सेवा केंद्र गए इनकम का सर्टिफिकेट घर बैठे किवें अप्लाई कर सकते हो। तुसी देखा होगा कि अज के टाइम जिहड़ा इनकम सर्टिफिकेट वह बहुत जरूरी है। जेकर किसी बच्चे ने एडमिशन लेनी है, जॉब ते लगना है, वक् वक् थावां उत्ते इनकम सर्टिफिकेट की समय समय से लोड़ पैंदी रहिंदी है। हुण तुसी इसनू घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करन लई तुसी गूगल उत्ते सर्च करोगे punjab.gov.in। punjab.gov.in सर्च करन तो बाद punjab.gov.in सर्च करन तो बाद तुहाडे कोल पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वैबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तो बाद तुसी सर्विसेज उत्ते आ के डिपार्टमेंटल सर्विसेज उत्ते क्लिक कर देना है। डिपार्टमेंटल सर्विसेज के उत्ते क्लिक करन तो बाद थोनू इत्थे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अप्लाई सर्विसेज, ट्रैक सर्विस, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करन दे लई तुसी फिल्टर सर्विस उत्ते सर्टिफिकेट टाइप कर देना है। सर्टिफिकेट टाइप करने तो बाद सर्च बटन उत्ते क्लिक कर दियो। इत्थे तुहानू दिखाई देवेगा एक ऑप्शन इशुएंस ऑफ इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट। इस उत्ते तुसी व्यू उत्ते क्लिक कर देना है। व्यू उत्ते क्लिक करने तो बाद तुहानू इत्थे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू अटैचमेंट एंड लॉगिन टू अप्लाई। व्यू अटैचमेंट के उपर क्लिक करन तो बाद थोनू जिहड़ा इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म दिखाई देवेगा। ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म तुसी बहुत ही ध्यान नाल भरना है। व्यू अटैचमेंट उतों तुसी जिहड़ा अपना इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करन दे लई तुसी लॉगिन टू अप्लाई उत्ते क्लिक कर दोगे। लॉगिन टू अप्लाई तो क्लिक करन तो बाद तुहाडे कोल इत्थे अगर ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो तुसी अपना आईडी पासवर्ड भर के लॉगिन कर दोगे। अगर तुहाडे कोल आईडी पासवर्ड नहीं है तो तुसी डोंट हैव एन अकाउंट ते क्लिक करके जिहड़ा अपने आप नूं अपनी ईमेल आईडी अते मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। आईडी पासवर्ड भरन तो बाद तुसी लॉगिन ते क्लिक कर दियो। लॉगिन इस तो बाद थोनू दिखाई देवेगा कि इत्थे फीस की जिहड़ी डिटेल है दित्ती गई है अते डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिता गया है। अप्लाई करन दे लई तुसी क्लिक टू अप्लाई सर्विस उत्ते क्लिक कर दियो। क्लिक करन तो बाद थोनू प्रोसीड उत्ते क्लिक करना पवेगा। प्रोसीड उत्ते क्लिक करन तो बाद थोनू इत्थे थोड़ी परसनल इनफॉर्मेशन दिखाई देवेगी, जिस विच थोड़ा फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम जिहड़ा ओह ऑटोफिल रहेगा, जिहड़ा कि तुसी अपनी ई सेवा दी आईडी रजिस्ट्रेशन बनाने दे लई दर्ज कीता सी। फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम भरन तो बाद अगर थोड़ा कोई मिडल नेम है वह तुसी भर सकते हो। इस तो बाद जिहड़ा बिना कर दा पहला नेम है वह पंजाबी दे विच भरना है। पंजाबी दे विच भरन दे लई तुसी गूगल पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन। तो इत्थे जे तुसी अपना नाम भरोगे तो इसकी जिहड़ी तुहानू पंजाबी ट्रांसलेशन मिल जाएगी, इसनू तुसी कॉपी करके इत्थे पेस्ट कर सकते हो। लास्ट नेम नू लास्ट नेम उत्थे रख दियो अते स्पेस हटा दियो। उस तो बाद तुसी अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करन तो बाद थोड़ा जेंडर की है, मेल फीमेल। उस तो बाद थोड़ा मैरिटल स्टेटस की है, अगर तुसी मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर सकते हो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड। अगर तुसी इत्थे मैरिड सिलेक्ट करोगे तो थोड़े तो स्पाउस का फस्ट अते लास्ट नेम पूछा जाएगा। अगर तुसी अनमैरिड सिलेक्ट करते हो तो फादर का फस्ट अते लास्ट नेम जिहड़ा वो पूछा जाएगा।
स्पाउस की डिटेल भरन तो बाद स्पाउस नेम भरन तो बाद तुसी इत्थे अपने फादर का फस्ट नेम भर दोगे अते लास्ट नेम भर दोगे। इसे तरह पंजाबी दे विच पिता का फस्ट अते लास्ट नेम भर दोगे। पिता का फस्ट अते लास्ट नेम भरन तो बाद अपनी माता का फस्ट अते लास्ट नेम भर दोगे। माता का पहला नाम अते आखिरला नाम भरन तो बाद ईमेल आई डी अते मोबाइल नंबर थोड़ा ऑटोफिल रहेगा जो कि तुसी अपनी आई डी रजिस्ट्रेशन दे टाइम भरिया सी। उस तो बाद तुसी अपनी जिहड़ी प्रोफाइल पिक्चर है वह सिलेक्ट कर लोंगे। प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करन तो बाद अपलोड फाइल ते क्लिक कर दिओ। इस तो बाद तुसी अपना जिहड़ा परमानेंट एड्रेस आ उह भरोंगे। पंजाबी विच पूरा पता भरन तो बाद अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लो। स्टेट सिलेक्ट करन तो बाद तुसी केड़ी डिस्ट्रिक्ट विच रहने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करन तो बाद थोड़ी तहसील केड़ी है तहसील सिलेक्ट करन तो बाद तुसी अर्बन एरिया दे विच रहने हो या फिर रूरल एरिया दे विच रहने हो। उस तो बाद अपना तुसी पिन कोड भर दो। पिन कोड भरन तो बाद अगर थोड़ा कोस्पोरेंटस एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर दो तो वो ऑटोफिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो थोनू मैनुअली जिहड़ा वो टाइप करना पड़ेगा। इस तो बाद तुसी सब तो उपर जाओ अते परसनल इनफॉर्मेशन दे विच जो भी डिटेल भरी है उसनू एक बारी दोबारा चैक कर लो। जेकर ये सही है तो सबमिट बटन उत्ते क्लिक कर दो। सबमिट बटन उत्ते क्लिक करन तो बाद तुसी देखोगे कि तुसी दोबारा अप्लाई क्लिक टू अप्लाई सर्विस उत्ते आ गए हो तो इस उत्ते दोबारा क्लिक कर दो। इस तो बाद तुसी देखोगे कि इत्थे जिहड़ी तुसी डिटेल भरी सी ओ ऑटोमैटिक जिहड़ी है भरी ओ आ गई है। जेकर डिटेल सही है तो तुसी अपडेट एंड प्रोसीड ते क्लिक कर दो। उस तो बाद तुसी अपने नाल संबंधित कोई भी व्यक्ति की जिहड़ी डिटेल वो अपलोड करनी है अते उसका जेकर तुसी फादर सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा जिहड़ा फादर का नेम वह ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा जो कि तुसी भरिया सी। उस तो बाद अपने नाल संबंधित व्यक्ति का जिहड़ा वह एड्रेस भर दोगे। सर्विस डिटेल दे विच आइडेंटिफिकेशन टाइप दे विच तुसी कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो आधार कार्ड वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। आधार कार्ड सिलेक्ट करन तो बाद तुसी इत्थे जिहड़ा अपना पछाण पत्र नंबर वह भर सकते हो जो कि आधार कार्ड का नंबर रहेगा। उस तो बाद तुसी इत्थे जिहड़ी अपनी वो कास्ट भर देनी है।
उस तो बाद रीजन तुसी हिंदू हो सिख हो, उस तो बाद तुसी अपनी जड़ी परिवारिक आमदन है वो इतने भर देनी है, वो तुसी अपने पिता की इनकम तो भी देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट तो। उस तो बाद थोनू डाकखाना केड़ा पैंदा है, फैमिली डिटेल दे विच कोई भी एक मैंबर सिलेक्ट करके उसका नाम ऑटोफिल हो जाएगा, उन्हां दी एज भर देनी है ते उन्हां दा किता ऑक्यूपेशन भर देना है। उस तो बाद ऐड मैंबर उत्ते क्लिक कर देना है। उस तो बाद शर्तां पढ़न तो बाद आई एक्सेप्ट बटन उत्ते क्लिक करके प्रिंट अते प्रीव्यू उत्ते क्लिक कर देना है। ये फार्म जिहड़ा तुसी ये सेव करके रखना है अते सेव करके इसका जिहड़ा प्रिंट ओ कढ लेना है। उस तो बाद सबमिट बटन उत्ते क्लिक कर देना है। तुसी देखोगे कि जिहड़ी थोड़ी फाइल आ वो सबमिट हो चुकी है। इस तो बाद जिहड़े थोड़े कोल एप्लीकेशन डिटेल दे विच थोड़ी एप्लीकेशन आई डी आ जाएगी जिस तो अपना तुसी स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। अपलोड डॉक्यूमेंट दे विच जिहड़ा फस्ट नंबर ते एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी जिहड़ा वो हैगा आ इह तुहानू वीडियो दे स्टार्टिंग विच ही दस्सिया सी जिहड़ा डाउनलोड होएगा वह तुसी इत्थे अपलोड कर देना है। सैल्फ टैसटड कॉपी ऑफ आई डी प्रूफ दे विच तुसी अपना ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट वोटर कार्ड गवर्नमेंट आई डी कार्ड जिवें कि आधार कार्ड वह अपलोड करना है जिसका जिहड़ा साइज है वह मैक्सीमम 300 KB का होना चाहिए है ते वो सैल्फ टैसटड होना चाहिए है। उस तो बाद सैल्फ टैसटड कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ के विच भी तुसी अपना ड्राइविंग लाइसेंस पासबुक राशन कार्ड गैस कनैक्शन बिल मतलब जो ऑप्शन दित्तियां हुई हैं उस दे विच कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके उसनों सैल्फ टैसटड करके अपलोड कर देना है। उस तो बाद सैल्फ डिकलेरेशन एनुअली फैमिली इनकम ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਪੀ ਆਫ ਪਲੋਟ ਜਾਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕਾਪੀ ਆਫ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਅਪਲੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈ ਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈ ਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈ ਡੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨੀਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।